दोस्तों कहते हैं किस्मत का तो मुझे पता नहीं, किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत से सब कुछ मिलता है। रूबरू होना पड़ता है तकलीफ़ों से, रूबरू होना पड़ता है तकलीफ़ों से, यूं ही नहीं कोई काबिले तारीफ होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नवीन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सेट प्रैक्टिस 19 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 18 सेट को क्लियर कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। प्रतिदिन शाम 7 बजे आप सभी लाइव आ जाइएगा। दोस्तों इससे पहले आपको पता है करना क्या है, आपको इस वीडियो को एक शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। और साथ ही साथ अगर आपको नोटिफिकेशन समय पर नहीं पहुंच पाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि सामान्य हिंदी से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 90 मार्क्स के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो एक मार्क्स आपका निगेटिव जाएगा। और आपको पता है कि बीएड में इससे आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 आपका इंग्लिश रह सकता है, ठीक ना। आपका मर्जी है आप क्या रखना चाहते हैं लैंग्वेज में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बीएड में जो है ख़ास बात यह है कि निगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है और डीएलएड में आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो आप सभी कमेंट भी करते चलिएगा कि आपका कितना सही जा रहा है और इसका आंसर क्या होगा। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है, डैश यश प्राप्त होता है। तो आपको इस खाली स्थान पर बताना है कि कौन सा शब्द होगा। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक से मजबूती आर्थिक शक्ति से आर्थिक शक्ति मजबूत होती है और डैश यश प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर उचित शब्द का प्रयोग करें तो यहाँ पर देखिए ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है और यश बढ़ता है या अस यश जो है प्राप्त होता है, आप ऐसा कहेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। और आगे है इस शब्द को हटा करके इसके बदले में कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हैं। विष्णु के अनेक अभिधान हैं, आप क्या कहेंगे अभिधान के बदले। विष्णु के अनेक रूप हैं, अनेक धाम हैं, अनेक नाम है या अनेक लीला है। दोस्तों आप ऐसा कहेंगे अनेक नाम है, अभिधान मतलब नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ऐसा कह सकते हैं अभिधान का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। आगे है ये जो डैश लगा हुआ है उद्देश्य, इस शब्द को हटा करके आप कौन सा शब्द उचित तरीके से रख सकते हैं। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, आप इसके बदले में क्या कह सकते हैं दूसरे तरह से। जीने का कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं प्रयोजन होना चाहिए, तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे है बट्टा, बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बाट लगाना नहीं है, बट्टा लगाना यहाँ पर पूछा गया है, इसका बट्टा लगाना ही होगा। बाट लगाना बट्टा लगाना अलग है, तो बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर जो लिया है वो लिया है कलंक लगाना। बाट लगा दिया, बट्टा लगा दिया, इसका सही शब्द होगा बट्टा लगा दिया, लेकिन हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल में बाट लगा दिया। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है आत्मघात का विलोम शब्द चुने, आत्मघात का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों आत्मघात का अर्थ होता है अपने ऊपर आक्रमण करना, मतलब कि खुद के ऊपर आक्रमण करना, आप ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर इसका जस्ट विलोम आपको चुनना है। आत्मरक्षा करना मतलब अपने आप पर घात करना, अपने आप का रक्षा करना, आत्मरक्षा, ये सही जवाब हो जाएगा। आगे है ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा।
किसी प्रकार का कार्य न करना, परिवर्तन न होना, सुखद कार्य करना या सुखद परिवर्तन होना, ढाक के पात होना, ढाक के तीन पात होना। दोस्तों आप ऐसा कह सकते हैं, स्थिति जस के तस रहना, स्थिति जस के तस रहना और साथ ही साथ परिवर्तन न होना, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब कोई परिवर्तन न होना। स्थिति जस का तस है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ढाक के तीन पात तक हम चले गए लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब जो लिया है बी लिया है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। आगे है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बंदूक एक उपयोगी डैश है, अस्त्र है, औजार है, शस्त्र है या घात है। दोस्तों बंदूक क्या है, एक अस्त्र है, तो आप ऐसा कहेंगे बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, शस्त्र नहीं, अस्त्र इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। साहित्य की नींव का आधार क्या है, जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। बताइए क्या गलत है, इसमें आपको चुनना है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। कुछ तो गलत है, साहित्य की दीवार खड़ी होती है, इसी नींव का या आधार जीवन है या साहित्य की नींव का, कहाँ पर त्रुटि है। तो दोस्तों आप ऐसा कहेंगे नींव का जो है ये का नहीं होना चाहिए, इसी नींव का, यहाँ पर जो लिया गया है इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी है, नहीं, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, आप ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, का को हटा दीजिए, पर लगा दीजिए, तो अब ये सूटेबल बन गया है, कोई त्रुटि अब नहीं है। आगे है, रिक्त स्थान को भरना है उपयुक्त शब्द से। अकस्मात बिजली सा यह विचार मेरे मन में डैश, क्या कहेंगे आप, अकस्मात अचानक बिजली सा यह विचार मेरे मन में गम का, दम का, कौंधा या चमका, क्या कहेंगे आप। अगर यहाँ पर रहता ऐसा, अकस्मात बिजली सा यह विचार मेरे मन में आया, तो नॉर्मल से आया लगा देते, लेकिन यहाँ पर उस टाइप का कोई भी शब्द नहीं है। इसका सही जवाब जो लिया है दोस्तों वो लिया है कौंधा। कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आगे है, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, कुल मीन्स वंश, उसके लिए डैश मतलब उस डैश के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसके लिए आप कौन सा शब्द यूज करेंगे, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये आपका व्याकरण से है, क्या सही जवाब होगा। दोस्तों उसे आप कह सकते हैं कुलीन, कुलीन कह सकते हैं, बी सही जवाब होगा। कुलीन का मतलब ही होता है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना या जन्म लेना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। रज्जु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये सभी नॉर्मल में है, आप सभी अभी से प्रैक्टिस कीजिए, पर्यायवाची शब्द को अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द को, साथ ही साथ आप मुहावरे को भी जरूर रीड कीजिए। इसके बाद समास है, संधि है, इतना पॉइंट को यदि आप कवर करते हैं तो व्याकरण आपका जो है लगभग आधा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना चीज़ को आप जरूर कोशिश कीजिए पकड़ में ले आए। रज्जु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा रस्सी, रज्जु मतलब होता है रस्सी, डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है, किए हुए काम के बदले में जो धन मिलेगा उसे आप क्या कहेंगे, ब्याज, पुरस्कार, परिश्रमिक या फिर ऋण मुक्त। बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परिश्रमिक हो जाएगा, क्योंकि परिश्रम से कमाने वाला धन परिश्रमिक धन हो जाएगा सी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जिजीविषा कैसे होता है, जिजीविषा जो है कैसे होता है, आप इसे कैसे लिखेंगे,
चार विकल्प है आपके सामने। जी वी विसा जो है कैसे होगा, जी जी विसा होता है दोस्तों। अगर इसका सही जवाब की बात करें तो वो आपका हो जाएगा जी जी विसा। तो जी जी तो यहाँ दिया है, वसा है यहाँ पर, और यहाँ पर विसा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी जी जी विसा। आगे है 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु के वर्ग के बालक के लिए एक शब्द आप क्या देंगे। 10 से 15 वर्ष के जो बीच के आयु के बालक हैं उसके लिए आप क्या शब्द उपयुक्त करेंगे दोस्तों। वैसे बालक को आप कह सकते हैं किशोर, यानी कि 10 से 15 वर्ष की आयु के जो भी बालक है उसे आप कहेंगे किशोर, किशोरा अवस्था। तो डी इसका उचित जवाब हो जाएगा। आगे है मुख्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो भाई विलोम शब्द को, पर्यायवाची शब्द को, संधि को, विशेषण को, और आपका हो गया विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द तो बोल ही दिए, और मुहावरा को, इतना को आप जरूर कोशिश कीजिए क्लियर करने का, संधि और समास को जरूर शामिल करते हुए। तो मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो मुख्य मतलब होता है वैसे प्रधान, और गौण इसका हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है दोस्तों। देवों का सुर आप ऐसा कह सकते हैं देवासुर, देवों का सुर कह सकते हैं देवासुर। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, देवों का, काके की में पर से सासी जब भी आ जाए तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। इसका सही जवाब बी होना चाहिए, इसका जो आंसर लिया है वो लिया है सी, लेकिन इसका बी सही जवाब होनी चाहिए मेरे अनुसार से। आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देवासुर मतलब देवों का सुर, आप ऐसा कह सकते हैं देवों का सुर, जो देवों का के की लग जाए तो वो आपका तत्पुरुष समास में आता है कारक प्रकरण के अंतर्गत, जिसका आंसर आपको तत्पुरुष समास होगा। आगे है चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटवाई या चटाई। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वाक्य में अलंकार क्या है। आप इसे खुद से रीड कीजिएगा, नॉर्मल व्याकरण में आपको नहीं मिलेगा ये पॉइंट, तो ऐसे आप कोशिश कीजिएगा खुद से रीड करें। इसका सही जवाब जो लिया है अनुप्रास अलंकार लिया है, अनुप्रास अलंकार है बी सही जवाब। जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। जागृति नाम भी होता है, बताइए जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। सुषुप्ति, तम, जंगम या फिर ग्लानि दोस्तों। जागृति का जो विलोम होगा, जागृति हो गया जगे रहना, ऐसा भी कह सकते हैं आप सुषुप्ति, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा विलोम शब्द। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इस वाक्य में दोष कौन सा है, दोष कौन सा है, मात्रा का, मात्रा विषयक दोष है, या लिंग संबंधी दोष है, या पक्ष दोष है, या फिर पूर्वनिरुक्त दोष है। त्रुटि है इस वाक्य में, तो बताना है किस भाव से ये त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। इसका जो जवाब लिया है वो लिया है पुनरुक्ति दोष है, डी लिया है पुनरुक्ति दोष है। आगे है प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा। प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा, प्यासा, पिपासा, प्यासा, प्यास क्या होगा, ये प्यासा है दोस्तों। प्यासा का तत्सम रूप जो लिया है, जो हम लोग यूज भी करते हैं नॉर्मल में, प्यासा यूज करते हैं, ये सही जवाब प्यासा कौवा। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा,
और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस तरह के जो भी वीडियो अपलोड होंगे। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेना का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों जो हम लोग नॉर्मल में यूज करते हैं सैनिक यूज करते हैं सेना का, सैनिक। इसका आंसर जो लिया है वो लिया है अनिक, लिया है सी लिया है। कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मेरे अनुसार से इसका ए होना चाहिए। आगे है पूर्वाह, पूर्वाह का सही अर्थ क्या होगा। पूर्वाहन जो हम लोग यूज करते हैं, पूर्वाहन ए एम और पी एम। ए एम का मतलब होता है ए से है तो अपराहन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका अर्थ होता है पूर्वाहन। और पी एम का मतलब होना चाहिए पूर्वाहन, तो नहीं, इसका अर्थ होता है अपराहन। तो दोस्तों पीएम जो होता है दोपहर के बाद का समय और एएम जो होता है दोपहर से पहले का समय, यानी कि पूर्वाहन। तो इस तरह से पूर्वाहन क्या हो जाएगा, दोपहर के पहले का समय आप कहेंगे। इस तरह से 22 का सही जवाब डी हो जाएगा, दोपहर के पहले का समय। आगे है अनुमोदन, अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अभिमुख, ठीक, जी नहीं या अरे। दोस्तों अनुमोदन का अनुमोदन सूचक अव्यय जो लिया है वो लिया है ठीक, बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है बाल का खाल खींचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। वैसे तो ये मुहावरा अब बहुत पुराना हो चुका है, बाल का खाल खींचना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना, छिद्रान्वेषण करना या फिर उद्देश्य को प्राप्त करना। आप ऐसा कहेंगे छिद्रान्वेषण करना, मतलब कि छोटे से छोटे बात को जो है ले करके पड़े रहना है, आप चलते रहना है अगरह वगैरह, तो बाल का खाल खींचना सी सही जवाब हो जाएगा। रूढ़ शब्द का उदाहरण है, रूढ़ शब्द का उदाहरण है क्या होगा, रूढ़ यौगिक योगरूढ़। रूढ़ होता है कि अलग अलग शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो, योगरूढ़ होता है अलग अलग शब्दों का भी अर्थ होता है। जैसे कि राजपुत्र है तो राज का भी अर्थ है और पुत्र का भी अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका योगरूढ़। और आपका आता है रूढ़ यौगिक, और सॉरी ये हो जाएगा आपका यौगिक। और योगरूढ़ जो होता है उसका जो है योगरूढ़ में होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता है, तो वो होता है योगरूढ़। तो यहाँ पर आपको रूढ़ पूछा गया है तो आप तोड़िए किसी को, उसका उदाहरण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा क्या, कमल इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसको तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं होगा, कमल, क जोड़ म जोड़ ल। आगे है विजयादशमी संज्ञा है, विजयादशमी कौन सी संज्ञा है। दोस्तों ये हो जाएगा विजयादशमी, कह सकते हैं एक त्योहार टाइप से है, विजयादशमी संज्ञा है, तो ये कौन सा होगा। इसका सही जवाब जो लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा लिया है। अब आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, इस पर डॉट है। आगे है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, फेंक कर चलाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, अस्त्र, शस्त्र, बाण या फिर चक्र। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था बंदूक के संबंध में, तो वो बंदूक आपका फेंक कर तो नहीं चलाया जाता है, वो भी आपका फेंक कर ही चलाया जाता है। वो अस्त्र था और ये भी आपका क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा, ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में आदित्य का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। समानार्थी शब्द आपको बताना है आदित्य का, एक तरह से ये पर्यायवाची शब्द ही होता है, समानार्थी शब्द ऐसा कह सकते हैं। इसका सही शब्द हो जाएगा सूर्य, सूर्य को ही आदित्य बोलते। आगे है निम्न में से कौन आनंद का समानार्थी शब्द नहीं है। तो वाक्य को सही से पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं है पूछा गया है, तो हर्ष और उल्लास की बात है, हर्ष और उल्लास की बात है, आहाद की बात है, आप ऐसा कहते हैं।
भगवान से मेरी यही कामना है, जब दुख में रहते हैं तो यूज करते हैं, यही कामना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो समानार्थी नहीं है आनंद का, वो हो जाएगा डी सही जवाब। आगे हैं, क से म तक के वर्गों वर्णों को क्या कहा जाता है, क से म तक के वर्णों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्पर्श वर्ण कहा जाता है, स्पर्श वर्ण कहा जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपका 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है हिंदी से, और आपका मैथ का क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए गुणनफल है, गुणनफल जो आप बचपन से सीखते आए हैं, सेवन्थ में भी पढ़े होंगे। ये देखिए भाग करने के लिए बोला जा रहा है, और यहाँ पर देखिए LCM SCFC है, दो संख्याओं का, दो संख्या इतना इतना है, इसका SCF दिया हुआ है 11 है, तो LCM कितना होगा, तो 11 से काट दीजिए 88, 8 हो जाएगा, 8 या 24, 8 या 24 2 26 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, ये इसका सही जवाब। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर आपको देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो पूछा जाता है परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाता है, ये आपका मेन चैप्टर है। अगर आप रेशियो को क्लियर कर लेते हैं और परसेंटेज को क्लियर कर लेते हैं, तो आपका आधा मैथ जो है कॉमर्शियल मैथ कह दे, तो आधा आपका कॉमर्शियल मैथ ख़त्म हो जाता है। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर कर लेते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका आधा मैथ क्लियर हो जाएगा। हम इसको बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, कल या परसों से आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2 दिन तक में कोशिश करेंगे आपके लिए मैथ का भी वीडियो आ जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे है अनावश्यक यानी कि खराब ईमेल को क्या कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अनावश्यक जो ख़राब है उस ईमेल को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्पैम, स्पैम मैसेज, जब भी कोई मैसेज जो है रॉन्ग हो जाता है या फिर कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण हो जाता है, तो वो स्पैम ऑप्शन में चला जाता है। आगे हैं, यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला गया है कि कौन सा मिलान है, उसको आपको कूट भाषा में आंसर करना है। यहाँ पर देखिए नीला थोथा, एप्सम लवण, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इसमें आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो नीला थोथा जो होता है वो आपका कॉपर सल्फेट होता है, ठीक, 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है बेकिंग सोडा, क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो इस तरह से 2 ऑप्शन आपका मिल चुका है, अगर तीसरा को नहीं भी ढूंढे तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। अब कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा को क्या कहा जाता है, तो कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इस तरह से ऑप्शन अगर देखें तो 1 का 4 यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद देखिए बी का छोड़ दीजिए, सी का जो है अगर बात करें तो सी का क्या आया है, सी का आया है 2, तो सी का जो है 2 देखिएगा, सी का 2 आया है, सी का 1 आया है 1, तो इसका देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये तो है नहीं, तो इस तरह से इसका सही जवाब आपको डी हो जाएगा, ठीक ना, ये मिल रहा है। तो आप 2 ऑप्शन को भी अगर कन्फर्म कर लेते हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे है सूचना की छोटी से छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, डिजिट, किलोबाइट, बाइट या फिर बीट। सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है क्या कहलाता है। दोस्तों बीट होता है, 1024 बीट अगर हो जाए तो वो 1 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट हो जाए तो वो 1 किलोबाइट के हो जाता है, ठीक ना।
और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, 1024 किलोबाइट हो जाता है तो वो 1 MB के बराबर हो जाता है, 1024 MB वो 1 GB के बराबर हो जाता है, और 1000 GB 1 TB के बराबर हो जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते रहता है, आप याद रखिएगा इन सब पॉइंट को भी। डेटा यानी कि सूचना कंप्यूटर में डैश के रूप में स्टोर की जाती है। सूचना कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर की जाती है? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा फाइल के रूप में स्टोर की जाती है, इसका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है दोस्तों फिर से आपका मिलान करने वाला। दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन मैच कर रहा है, कूट भाषा में आपको जवाब देना है। यहाँ पर दो तीन ऑप्शन और है जो ऊपर है, तो सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए आप। सबसे पहले आप स्मेल्टिंग को देखिए। स्मेल्टिंग का नाम तो आप सुने ही होंगे, टेंथ में भी सुने होंगे और ट्वेल्थ में भी आप जरूर पढ़े होंगे। केमिस्ट्री में है, जब आप धातु का निष्कर्षण पढ़ते हैं तो उसमें स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, वो कॉपर के निष्कर्षण में यूज किया जाता है। तो ये कन्फर्म हो गए आप, बी का 3 होगा। उसके बाद ये जो है हाइड्रोजिनेशन जो होता है, आप सुने होंगे ट्वेल्थ में, जब खाद वसाय पदार्थ बनाते हैं या उसका जो है शोधन हो किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजिनेशन का यूज किया जाता है। बायो मोलिकुल चैप्टर में आप पढ़े होंगे ट्वेल्थ में, तो इसका जो है हो जाएगा खाद वसाय। तो सी का क्या हो जाएगा 4। रबर बनाने की प्रोसेस में आप जरूर पढ़े होंगे वल्केनाइजेशन, ठीक ना, तो ये हो जाएगा डी का 1। तो डी का ए हो गया, 1 हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजिनेशन का 4, मतलब सी का 4, ए डी का 1। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं डी का 1 जो कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, उसके बाद सी का 4 जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके बाद आपका मतलब कि या तो बी होगा या तो डी होगा। अब आपको एक ऑप्शन और चेक करना है, वो है आपका रबर। ये जो रबर आया है ये आपका आया इसका, तो उसके बाद देखिए एक और ऑप्शन था स्मेल्टिंग कॉपर, ये आया कॉपर में, तो बी का हो जाएगा 3। तो बी का हो जाएगा 3, कहने का मतलब आपका ये जो है बी नंबर का ऑप्शन मैच किया। तो इस तरह से आपको कूट भाषा में इसका आंसर देने के लिए बोलता है, तो इसे कूट भाषा ही बोला जाता है। आगे है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं क्यों? कोई भी कीड़ा जो होता है वो पानी की सतह पर चलता है, डूब नहीं सकता है, वो क्यों डूब नहीं सकता है? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों पानी के पृष्ठ तनाव के कारण बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका वजन जो होता है बहुत कम होता है, पानी का वजन ज़्यादा होता है ऐसा कह सकते हैं, तो वो पृष्ठ तनाव में आ जाते हैं, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, तापक्रम की SI इकाई क्या होगा, मात्रक क्या होगा तापक्रम की? दोस्तों SI यूनिट तो आपको पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगभग 30-40 SI यूनिट को आप अगर अच्छे से रीड कर लेते हैं तो लगभग आपको उसमें से कोई भी ऑप्शन मिस नहीं होगा। दोस्तों तापक्रम को जो मापा जाता है वो आपका SI मात्रक जो है वो आपका सेल्सियस नहीं है, केल्विन आपका हो जाएगा, ठीक ना, तो केल्विन में मापा जाता है। आप 9th में ही पढ़ चुके होंगे, ए सही जवाब होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है, दोस्तों विटामिन ई जो हो पाया जाता है मुख्य रूप से वो आपका ताज़ा सब्जी में पाया जाता है, ए सही जवाब होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का भाग है और भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र इसे ही माना जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है?
सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी 12 या विटामिन के या फिर विटामिन डी। दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के जो है मदद करता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, कौन सा जो है कहा था, कौन सा वैज्ञानिक? बॉयल, लेवोजियर, एवोगाड्रो या आइंस्टीन? दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा था, कि पदार्थ को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है। डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्या कहलाएगा? ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देगा, तो वह युक्ति कौन सा होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ईंधन सेल। जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, ईंधन सेल, वो आपका सी सही जवाब हो जाएगा। वैसे गैल्वेनिक सेल है, ये अलग है। यहाँ पर जो आपको पूछा गया, रासायनिक ऊर्जा को बदलता है सीधे विद्युत ऊर्जा में, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईंधन सेल। आगे है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? जोड़ा के रूप में मौजूद होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है। इसके बाहरी भाग की बात करें तो कार्केटक्स का नाम सुने होंगे, कार्टेक्स, और आंतरिक भाग मेडुला से बना होता है अधिवृक्क का। आगे है, 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होता है, किसके संगत होता है? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर किसके संगत होगा? मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, या एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से, किसके संगत होगा 100 डेसिबल का ध्वनि? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एक वर्कशॉप मशीन जो होता है उसके कह सकते हैं उधर से आने वाली शोरगुल जो ध्वनि होगा उसी के संगत होगा। अब यहाँ पर और भी कुछ जान लीजिए, वास्तव में अगर बात करें तो प्रेस कल कारखाना जो होता है उससे गूंजने वाली तीव्रता शोर जो होता है वह 100 से लेकर के 105 डेसिबल के बीच होता है। तो इसका सही जवाब यानी कि शोरगुल वाले कारखाने, कल वाले कारखाने प्रेस हो जाएगा, तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी पहुँचती रहेगी। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? क्या स्थिर रहेगा? वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल या फिर गतिज ऊर्जा? दोस्तों, बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। जब एक वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड घूम रहा है तो कौन चीज उसका स्थिर रहेगा? दोस्तों, इसका सही जवाब जो लिया है वो लिया है आपका गतिज ऊर्जा, डी लिया है। आगे है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला, क्लोरीन युक्त, मतलब क्लोरीन से बना हुआ कृत्रिम मिठाई जो होगा स्वीटनर, जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की भांति होगा, इसी टाइप से शक्कर की तरह होता है, तो निम्नलिखित में से वह क्या हो सकता है? सभी ऑप्शन आपके सामने है, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है आपका, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त बना हुआ कृत्रिम मिठाई जो होता है उसका रूप और स्वाद शक्कर की भांति होता है, ठीक ना? रूप तथा स्वाद शक्कर की भांति होता है, तो निम्नलिखित में से वह
क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर जो लिया है वो देखिए क्या लिया है, सुक्रालोज का नाम आप सुने ही होंगे। सुक्रालोज यह क्या होता है, यह एक कृत्रिम स्वीटनर है, शर्करा का एक विकल्प है, मिठास भी इसमें होता है और यह जो है शरीर में खंडित नहीं होता है, इसलिए यह एक नॉन कैलोरिक उत्पाद है, ठीक ना। और यहाँ पर जो आपको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपको कैलोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, ठीक ना, स्थिर ताप पर रहने वाला, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सुक्रालोज हो जाएगा। और यह मधुमेह से जो पीड़ित है वो व्यक्ति भी उपयोग कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है पूछा गया है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो कि यह पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक ना, और यह जो है अन्य सभी एंटीबायोटिक्स से कह सकते हैं एंटीबायोटिक ही है और यह पेप्टाइड हार्मोन है। आगे है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है कितने दिन, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका आंसर जो लिया है वो लिया है बी, यानी कि 30 से 180 दिन का समय लेता है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल, वैसे 6 माह भी का समय कह सकते हैं, 6 माह तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, माह में दिया रहे या फिर दिन में दिया रहे। आगे है निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, निश्वसन जब निश्वसन मतलब श्वसन नहीं होता है तो डायफ्राम कैसा आकार ले लेता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं गुंबद आकार का हो जाता है, निश्वसन के समय क्या होता है, गुंबद आकार का हो जाता है, बी सही जवाब होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है जो प्रदूषक मानी जाती है, कौन सी एक गैस है जो प्रदूषक मानी जाती है, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ठीक, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, और ओजोन तो अपने वातावरण से काफ़ी दूर भी है। सल्फर डाइऑक्साइड जो वर्षा के समय या वर्षा कराने में भी मदद करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 80 का C, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है, इसके चलते अम्ल वर्षा होती है, वर्षा तो होती है लेकिन वो अम्ल वर्षा होती है, डी सही जवाब होगा। आगे है आपका सामाजिक अध्ययन से, और जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो उस वीडियो को ये जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। सिंधु घाटी के लोग कैसा थे, सिंधु घाटी के लोग कैसा थे बताइए, शाकाहारी मांसाहारी दोनों या फिर गाय मांस नहीं खाते थे, सिंधु घाटी के लोग कैसा थे। दोस्तों मांसाहारी तो मनुष्य बहुत पहले से ही है, इसमें तो नो डाउट, तो मांसाहारी यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखिए शाकाहारी भी हो गए बहुत, बाबा जी जो बन गए वो शाकाहारी भी हो गए, तो मतलब दोनों टाइप के लोग, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भोजन के रूप की अगर बात करें तो लोग गेहूं उस समय उपजाने लगे थे, गेहूं जो खजूर एवं भेड़ सुअर मछली के मांस इत्यादि सब खाते थे। आगे है द्वितीय बोध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, द्वितीय बोध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर मगध में। दोस्तों ईस्वी की बात करें तो ईस्वी हो जाएगा 383 ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी पूर्व 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में काला अशोक के शासनकाल, किसका, अशोक का शासनकाल में जो है सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा की अध्यक्षता की बात करें तो स्वर्वकामी सबकामी ने किया था। इस सभा के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए थे, एक अस्थावीर एवं एक महासंधिक में बट गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली यानी कि 82 का B। आगे है भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है। बी सही जवाब, या गुप्त वंश के शासक हैं, ठीक ना, समुद्रगुप्त। इनको जो है इनकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत में इसे नेपोलियन कहा जाता है, तो बी सही जवाब हो जाएगा। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था? सभी ऑप्शन आपके सामने है, महासंग्रहणकर्ता, या फिर खंजांची, या फिर महालेखक परीक्षक, या फिर दंडनायक। दोस्तों समाहर्ता जो कहते थे वो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, महासंग्रहकर्ता, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कि मौर्य शासन काल में महासंग्रहकर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, जो संग्रह करता था, यानी कि कह सकते हैं जो धन जो होता था वो उसको एकत्रित करता था, उसका मुख्य कार्य ही होता था कि वह राजस्व का इकट्ठा करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, यही अगर वगैरह। आगे है, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? अंतिम सैन्य अभियान, आपको पता है कि 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था, सोम मंदिर पर आक्रमण किया था, तो यह अंतिम बार सैन्य से आक्रमण कब किया था? दोस्तों 1027 ईस्वी में किया था, 1027 ईस्वी महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 17वां बार, और अंतिम सैन्य अभियान था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था, इसमें जाट पराजित भी हो गए थे, तो 1027 इसका सही जवाब हो जाएगा। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? चालीसा ग्रुप जो थे उसके शक्तियों को किसने तोड़ा? दोस्तों आप गयासुद्दीन बलबन का नाम सुने हैं, इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा ग्रुप, किसने स्थापित किया था चालीसा ग्रुप को? इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, और उसको तोड़ा किसने? तो गयासुद्दीन बलबन जो है, बलबन इसे तोड़े थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और दोस्तों अगर बात करें तो 40 तुर्की सरदारों का सरदार कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है चालीसा ग्रुप को, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? गंभीरतापूर्वक भेदभाव को और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था, क्या होगा सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी अकबर, और अकबर का नाम इतिहास में काफ़ी लिया भी जाता है। आगे है, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त कर दिया गया? 1529 में दक्षिण बिहार, ये जो है बिहार पर आक्रमण किया गया था लेकिन शेर खां द्वारा परास्त हो गया था, वह कौन था? दोस्तों 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को परास्त करके शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि भी धारण किया था, हजरत ए आला की उपाधि कौन? शेर खां ने। आगे है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, कब से कब लड़ा गया था, कब को लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, डी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में विद्रोह किसने नेतृत्व किया था? बिहार में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? जाट यूलिसिस ने, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, या अमर सिंह, क्या होगा? दोस्तों 1857 का विद्रोह की यह बात कर रहा है, 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के थे, जमींदार थे, इन्होंने नेतृत्व किया था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है,
किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह या फिर खिलाफत आंदोलन? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वहावी आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के नाम से जाना जाता है। बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है दोस्तों, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन किसके समय उलट दिया गया था? तो दोस्तों सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, मिंटो, हार्डिंग, इरविन, माउंटबेटन, ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सबसे पहला वायसराय कौन था भारत का? तो ये हो जाएगा कौन, लॉर्ड मिंटो पहला वायसराय, और दूसरा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। तो 1910 के बाद, कब, 1910 में लॉर्ड हार्डिंग जो है वायसराय बने थे भारत के वायसराय। उसके समय में हुआ था क्या कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत पर आगमन था, आगमन होने वाला था भारत। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। अगर पढ़े होंगे तो आपको ये बात याद होगी, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो उसी दिन जो है यानी कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई और बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग। आगे हैं दोस्तों, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? कौन सा घटना, रोलक्ट अधिनियम, जालियांवाला बाघ हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु? किसने गांधी जी को भारत स्वतंत्रता संग्राम में जो है शामिल कर लिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोलेक्ट अधिनियम, ठीक ना, रोलेक्ट अधिनियम, ये जो रोलेक्ट अधिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें होता क्या था कि बिना वकील बिना दलील का कानून लागू किया गया था, तो मतलब इसे अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता है और आतंकवादी अपराध के अधिनियम से भी जाना जाता है। गांधी जी का अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस अधिनियम के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी किया था और इसी घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता में खड़ा कर दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, रोलेक्ट अधिनियम। आगे है, 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं स्वतंत्रता के समय कौन था। दोस्तों इस दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में हुआ था, किस वर्ष किया गया था इसका? टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी सिंहभूम के जिले के साक्ची में है, तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 ईस्वी। आगे हैं, भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत रहे, ठीक है, तो बताना है कि कहाँ में इन्होंने अपने तपस्या को और साधना को व्यतीत किया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा? दोस्तों बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्षों तक, सोच सकते हैं एक दिन अगर खाना नहीं खाए तो जान निकल जाती है, और 6 वर्षों तक जो है बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गया में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो उसी को भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दे चलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ दीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ को खुद से कोशिश कीजिएगा कि रीड करें। तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, नील नदी किस महाद्वीप में गिरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में गिरती है। नील नदी की लंबाई की दृष्टि से क्या है, तो सबसे बड़ी लंबी नदी है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित सागरों या महासागरों में से कौन पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं, पनामा नहर द्वारा जुड़ा हुआ है कौन सा जुड़ा हुआ है, पनामा नहर द्वारा कौन सा जुड़ा हुआ है, लाल सागर तथा अंध सागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, हिंद महासागर या तथा प्रशांत महासागर, अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर, कौन कौन जुड़ा हुआ है लाल सागर द्वारा। दोस्तों, इसका सही जवाब की अगर बात करें तो डी सही जवाब हो जाएगा, अंध महासागर और प्रशांत महासागर लाल महासागर के द्वारा नहर था शायद, इसके द्वारा क्या है जुड़ा हुआ है, पनामा नहर द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन, आगे है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अंटार्कटिका में या फिर नेपाल में, गंगोत्री कहाँ स्थित है। दोस्तों बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी वीडियो को लाइक कर दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो भी नहीं किए हैं लाइक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका मैथ का क्लास भी 2 से 3 दिन तक में स्टार्ट हो जाएगी, तो निश्चित रूप से मैथ का वीडियो 2 से 3 दिन तक में शुरू हो जाएगी। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है, बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, दक्षिणी गंगोत्री की 1984 ईस्वी में। यह अंटार्कटिका में स्थित भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अब जो नष्ट हो चुका है वैसे, अभी अंटार्कटिका में भारत के 2 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र क्रियाशील है, और इसका नाम है मैत्री और भारती, 2 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए उत्तराखंड, 99 का सी, सॉरी अंटार्कटिका हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित देशों में से कौन दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है, कौन सा देश जो है दूध उत्पादन में अग्र है, कनाडा, डेनमार्क, भारत, जापान, क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या है, आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। एक सेट जो है आपका और भय बचा हुआ यूनिक से, जो कि 20वां सेट होगा, और 20वां सेट आपका कल शाम 7 बजे होगा। तो निश्चित रूप से आप सभी कोशिश कीजिएगा कि लाइव आ जाए। और दोस्तों इसका जवाब की अगर बात करें तो वो आपका हो जाएगा डेनमार्क, क्या हो जाएगा डेनमार्क, जो कि दूध उत्पादन में प्रमुख देश के रूप में आता है, डेनमार्क विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस तरह से मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।